तो गाइस यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा किल निकालने के लिए तो आप लोग को यहाँ पर परफेक्ट एडीएस भी चाहिए होता है क्लोज रेंज के लिए। तो गाइस देखो जितने भी कॉम्पी प्लेयर होते हैं ना वो लो सेंस पे ही खेलते, चाहे पर वो एडीएस हो या फिर वो जायरो। तो देखो कोई एनिमी आप लोग अगर गोल गोल राउंड होकर मूव करता तो गाइस वहाँ फायर करते टाइम आप लोग वहाँ पर थम से तो गाइस मूव करना ही पड़ेगा अपना एम को, क्योंकि गाइस देखो वहाँ पर हम लोग जायरो को पूरा राउंड नहीं घुमा सकते, तो गाइस वहाँ पर हम लोग को थम से एडीएस को कंट्रोल करना पड़ता। अभी देखो गाइस यहाँ पर आप लोग को मैं एक लो सेंस प्रोवाइड करूंगा एडीएस, तो गाइस बहुत ही ज्यादा परफेक्ट होगा। बाकी अगर आप लोग हाई कर लेते तो गाइस वहाँ पर दिक्कत कितना होता वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो गाइस देखो यहाँ पर मैं अभी सेंसी पे आता हूँ, यहाँ पर एडीएस सेंसी का जो मेरा 85 है, तो गाइस देखो 85 कर लेने के बाद यहाँ पर हम लोग फायर करते टाइम एडीएस कम होगा, ना कि गाइस यहाँ पर जब हम लोग फायर नहीं करेंगे तो गाइस यहाँ पर हम लोग का होता स्क्रीन का काम, लेकिन जब हम लोग फायर करते हैं ट्रांसफर करेंगे तो वो होता एडीएस का काम, ठीक है। तो एडीएस टीपीपी का काम यहाँ पर आप लोग जान गए, यहाँ पर परफेक्ट 85 पे मैं ट्रांसफर कर पा रहा हूँ। लेकिन गाइस जब यहाँ पर हम लोग 150 कर देते हैं, मतलब ये बहुत ही ज्यादा हाई होता, अभी फायर करते टाइम देखो गाइस मेरा लेफ्ट राइट हो जा रहा, मैं शिफ्ट कर ही नहीं पा रहा दूसरे कैरेक्टर पर, मेरा लेफ्ट राइट इधर उधर ऊपर नीचे हो जा रहा, तो ये हो जाता बहुत ही ज्यादा हाई। तो आप लोगों को नॉर्मल से रखना 85 या फिर 90 या फिर 100, उससे ज्यादा आप लोगों को नहीं रखना। तो गाइस यहाँ पर 85 कर लेता हूँ और थंब से इजिली आप लोग एडीएस को कंट्रोल कर सकते हो, 85 में ट्रांसफर भी कर सकते हो देखो यहाँ पर इजिली। तो आप लोगों को ये रख लेना है। बाकी गाइस आज के इस वाले वीडियो पे इतना ही था, तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसे वीडियोस देखने के लिए। बाकी गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा बाय बाय।